हेलो एवरीवन, एसकेसी सरदेश साहिब, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी नीट 23 के लास्ट 2 मंथ्स रहे हैं और आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है पूरी साल अपने सभी एजुकेटर्स के साथ, जहां भी आप एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने जबरदस्त मेहनत करी है। लेकिन लास्ट 2 मंथ्स हैं, इसमें आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करना है, उस पर पॉलिशिंग करनी है। जो आप लोग पूरी साल गलती करते आ रहे हैं, उन गलतियों में आप लोगों को सुधार करना है। जिन टॉपिक्स को आप लोगों ने किया है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं किया है, प्रिपेयर नहीं किया है, उनको करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट आज बात भी बताने वाला हूं और एक बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर मेरी डेली क्लास आ रही है। मेरी क्लास नाइट के अंदर 10:15 से हर दिन क्लास हो रही है उसके ऊपर। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं लेके आया हूं वो है कि कल से उसके अंदर जो बच्चों की डिमांड आ रही थी, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, जिसमें रिएक्शन अपने स्टार्ट होंगी हाइड्रोकार्बन से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड पूरा, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आप समझते हैं कि यदि ऑर्गेनिक के अंदर लास्ट ईयर तो 18 क्वेश्चन आए थे, इस साल मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं कि 15-16 क्वेश्चन आए, तो मान लीजिए 4-5 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे का सारा पोर्शन रिएक्शन पार्ट से ही आता है। उस पार्ट पे मैं आप लोगों के लिए चैंपियन क्रैश कोर्स लेके आया हूं। उस चैंपियन क्रैश कोर्स की कल से मेरी फर्स्ट क्लास बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन मैकेनिज्म की कल से स्टार्ट हो रही है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन। और आप लोगों को सेकंड में बताना चाहता हूं, देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि सर हम लोग, मैं वो बुक कर रहा हूं, मैं मॉड्यूल लगा रहा हूं, ये सब अभी नहीं करना है। आप लोगों को नीट 23 में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मेरी 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़े पूरी साल, उसकी कॉपी के प्रॉपर क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। इसके अलावा सेकेंड आपको उठाना है एनसीईआरटी करनी है। और तीसरी चीज, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने, मतलब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट किया, क्वेश्चन किए, इसके बाद आप एनसीईआरटी में क्या दे रखा है और जो भी टॉपिक आप बना रहे हैं, और तीसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उसका आप लोगों को माइंड के अंदर एक आउटलाइन जरूर बनानी है। आउटलाइन बनाते चलो, थोड़ा उसके बारे में आउटलाइन बनाई, और उसको बार बार ब्लॉक रिविजन उसका करते रहो। जैसे मैं आप लोगों को कल से जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को पता है कार्बोकेटाइन पढ़ाऊंगा। पहला मेरा एक ब्लॉक रहेगा कार्बोकेटाइन, और उसको ज्यादा नहीं, 4-5 लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे, हो सकता है 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में बस कार्बोकेटाइन पार्ट, तो मैं आपको पूरा कार्बोकेटाइन पढ़ाऊंगा। इसके बाद मेरा पार्ट आएगा दूसरा, कौन सा, फ्री रेडिकल का पार्ट। इसके बाद मेरा कौन सा आएगा, एनायनिक पार्ट। एनायन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे राजा, जैसे पूरे का पूरा एसिड बेस ग्रिगनार्ड, ये सारे का सारा कार्बोनिल कंपाउंड, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल ईथर, इस टाइप की चीजें। और इसके बाद अल्फा एच की केमिस्ट्री, तो ये ब्लॉक रहेगा। इसके बाद अपन एरोमेटिक, डाई एजोनियम, सारे का सारा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कार्बिन, नाइट्रीन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का हर साल, सबसे ज्यादा डाई एजोनियम, कार्बिन, नाइट्रीन, एरोमेटिक, ये वाला पार्ट। और आप लोगों को इसको क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे और आप लोगों के सारे क्वेश्चन जिससे सही हो सके। और ये सारे का सारा लाइव में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी। और आपने देखा होगा इसके ऊपर मैंने शुरू से बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC, उसके बाद आइसोमेरिज्म, इसके बाद आजकल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे किसके ऊपर, जो अपना पोर्शन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो लास्ट दिन से, कुछ 3-4 दिन से अपन लोग GOC के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट को हम लोग कल रात से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को, अब कुछ बच्चों का यह भी है कि सर
जो हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर सर कितने साल के मैं क्वेश्चंस लगाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उसके अंदर आप लोग 10 साल के कर लें, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर बहुत अच्छे से कर लें, और इस साल के आप लोग आईआईटी के, जो आईआईटी के आईआईटी 23 वाले अभी जो पोर्शन हुआ है वो जरूर आप लोग करें, आईआईटी 20 जेईई मेंस के आईआईटी 23 वाले 22 वाले ये करें, तो आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो कल अपन लोग मिलते हैं 10:15 बजे, एवरीडे मेरी क्लास रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी के ऊपर। चलिए, थैंक यू।